Hello, myself Akhandita. Welcome to the Discovery TV News Bulletins. Let's see some of the major developments in the city. Little Aryan Pre-K द्वारा 29 फरवरी 2020 को वार्षिक दिवस कार्यक्रम अमी मुंबई कर आयोजित किया गया। 450 छात्रों ने बड़े जोश और जुनून के साथ सहभाग लिया और नृत्य, नाटक, संगीत और कला का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम पीपल कॉल्ड मुंबई नामक पुस्तक पर आधारित था, जो मुंबई की कहानियों को अपने लोगों के माध्यम से बताती है। वार्षिक दिवस 2020 के लिए विषय आमी मुंबई कर था, जिसे छात्रा ने विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ अपने लोगों के माध्यम से मुंबई की विभिन्न कहानियों को चित्रित करते हुए एक नाटक का प्रदर्शन किया। मधुर गीत तथा परंपरागत नृत्यों ने पूरे दर्शकों के मन को छुआ। दर्शकों ने शिव वंदना, स्वागत नृत्य, मुंबई गीत, कुम्हार गीत, कोली गीत, फैशन शो, ईरानी नृत्य, गणेश विसर्जन गीत, योगा और जुबा गीत, पाकोर गीत, चौपाटी गीत, समय गीत, शांति गीत, चित्रकार गीत, पैसा पैसा गीत जैसे गीतों और नृत्यों ने दर्शकों को प्रभावित किया। ग्रैंड फिनाले में बच्चों ने देशभक्ति की भावना के लिए संकल्प पे जोर दिया। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पुस्तक पीपल कॉल्ड मुंबई की लेखिका श्रीमती विनीता रामचंदानी, श्रीमती उषा पिल्लई प्रिंसिपल मेरेडियन स्कूल टिटवाला, मिस रितु पसरीजा प्रबंध सलाहकार, मिस अनघा अजीत सेंट मेरीज हाई स्कूल की माजी छात्रा, श्री ए एस महाजन निसा के अध्यक्ष, श्री कुलभूषण जी निसा के अध्यक्ष के सलाहकार थे। आर्य ग्लोबल ग्रुप ऑफ स्कूल के प्रबंध निर्देशक श्री कृषांक मलिक ने इस अवसर पर प्रत्येक बच्चों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने शिक्षकों के प्रदर्शन, उनके अथक परिश्रम और समर्पण के लिए प्रदर्शन और दृश्य कला टीम की सराहना भी की। वार्षिक दिवस की अतिथि श्रीमती वर्षा बजाज लेखिका टी इज फॉर ताजमहल थी। उन्होंने एक नाटक में एक पुस्तक सामग्री दिखाने के लिए बच्चों की और शिक्षकों की काफी सराहना की। चिन्मय सरगम समूह द्वारा सुनाए गए श्लोकों तथा हम होंगे कामयाब का श्रवण और सभागृह में किया गया। कार्यक्रम की सफलता से बना उत्साह और उत्साहित मनोदशा ने अगले साल और भी अधिक सफलता का वादा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, द डिस्कवरी टीवी न्यूज। We'll be right back.
राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का, नीसा का। मैंने आज तक करीब हजारों स्कूलों के फंक्शन देखे हैं, 10,000 स्कूल्स को विजिट भी किया है। आर्य गुरुकुल का, लिटल आर्यंस का जो फंक्शन है, ये मैं सेकेंड टाइम देख रहा हूँ। तो मुझे हर बार इसके अंदर एक ऐसा परिवर्तन नजर आता है। तो बहुत सारे स्कूल्स के फंक्शन देखे, वो भी अच्छे करते हैं, लेकिन यहाँ का जो एक बच्चों के अंदर एक हैप्पीनेस, जिसकी बात आज पूरा विश्व कर रहा है कि हैप्पी चाइल्ड के बाद, और जो बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंशन कॉन्फिडेंस और विजन नजर आता है, तो उससे पता लगता है कि यही एजुकेशन है। और इसका जो मेन कारण जो मुझे महसूस होता है, वो जो इनके चेयरमैन नीलम मलिक, भारत मलिक, और इनकी जो पूरी टीम एक विजन के साथ स्कूल चला रहे हैं, तो इनका जो विजन बच्चों को ट्रांसफर हो रहा है, तो वो जो देखने में एक एग्जाम्पल लगता है कि यही एजुकेशन है। जो मैं धन्यवाद देता हूँ मैनेजमेंट को और बच्चों के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। संदेश है, हम इस तरह का प्रोग्राम स्कूल का है जिसमें स्ट्रेस नहीं, जैसे हमने स्टार्टिंग में जैसे बच्चों ने बताया कि बॉकिंग गार्डन करके जो प्रोग्राम है, तो फर्स्ट टाइम बच्चे स्कूल आए, फर्स्ट पहली मुलाकात उनकी टीचर से भी पहले प्लांट से हुई, फ्लावर से हुई, ऑयल स्पाइस से, उसको हाथ लगाना, उसको सुनना, उसे काम करना, प्लांट ग्रो करना, मट्टी है, ये पेंट है, ये सब चीज़ों के साथ उनकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो बच्चों को ऐसे लगा कि अरे हम यहाँ पर जैसे खेल के खेलने आए हैं, अब हमारे हमें जो फील हो रहा है हम बोलने आए हैं। अरे टीचर उनसे पूछ रही थी, अपना कुछ कुछ बना के वो दिखा रहे थे, इमेजिनेशन से बड़ी। एक जैसे एक लड़के ने कहा ये एरोप्लेन है, दूसरे ने कहा ये एरोप्लेन नहीं है, ये स्पेसशिप है। स्पेसशिप कहाँ से आई? स्पेसशिप दूसरे प्लैनेट से आई है। इस तरह एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया उनके उसमें। इसमें टीचर सिर्फ हेल्प करते कि उन्हें जो रिसोर्सेज चाहिए वो प्रोवाइड करें, बाकी लर्निंग विल हैपन। सो हैप्पी चाइल्ड हैप्पी नेशन, एंड नमस्ते हरिओ, माई सेल्फ रविंद्र पॉट, सेंटर कोऑर्डिनेटर फॉर लिटिल आर्यंस डिलीवरी सेंटर। टुडे वी हैव आवर एनुअल डे एट सावित्रीबाई फुले। द एनुअल डे इज अबाउट द पीपल कॉल्ड नीरबाई। इवन द ऑथर इज प्रेजेंट ओवर हियर टू सी दिस शो, and our kids are performing the story of Mumbai, how the Mumbai evolved from the olden days and how the Mumbai is now, and what people we have in Mumbai, like the Vada Pav people, the Dabba Walas, the coolies, and the fish walas, everything. They are going to present how the children are dancing on different songs, like Holi song, Ganesh Vandana, the Mani Mani song is there. Thank you so much. I am Deepak Verma. I'm the director for sports across all Arya Dubey schools, as well as six centers of public school. Today, we have come here for the to attend the annual day of three SL centers of our public school, which is Little Aryans, and this is the we have come to this auditorium, which is Savitribai Phule Auditorium, the beautiful auditorium. And today's state play is on the theme of Ami Mumbaikar. It depicts how the people from various strata and places became and settled in Mumbai. Although this play is being conducted by small children, tiny tots, but they have been briefed about the play beforehand so that they understand the whole concept of it, and they are doing it excellently. At this age they are coming on stage and beautifully portraying various characters of our Mumbai city, and at this age they are getting this knowledge how our city and its nearby areas were habitated and developed. So it's a very good learning experience for the children also, and we also work on a Chinmaya Vision program where we try to teach our children to be independent, to be on stage, speak confidently,
and face the audience from this age onwards. So we are looking forward to see this play, beautiful play, and the children are doing exceedingly well. Thank you so much. Namaste, I'm Sapna Upper, and today's theme is People Called Mumbai. It is inspired by the book written by Vinita Ramachandani. Through this book, we are telling small stories of people who have come to Mumbai from different states of India and how they have enhanced their culture in Mumbai itself. There's a story about pottery, there's a story about Irani Hotel, and how each of these little people have come and have made a difference and lived together in diversity and in harmony as well. These were the bulletins of today. If you want to contact us, you can contact the number given on the screen.